कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, कहा संघर्षशील लोगों को सौंपी जा रही पार्टी की भागदौड़। रायबरेली दौरे के अंतिम दिन कार्यकर्ताओं से किया संवाद, बोली जो वरिष्ठ जन हैं उन्हें भी दी जाएगी जिम्मेदारी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रियंका के दौरे पर कसा तंज, कहा देश और प्रदेश दोनों को संभालने में नाकाम रही कांग्रेस। आजम खां के गढ़ में फंसी भाजपा, रामपुर उपचुनाव में तजीन फातिमा को मिली बड़ी जीत। तजीन फातिमा 7,716 वोटों से रही विजयी, अखिलेश यादव समेत सपा का पूरा तंत्र आजम के लिए प्रचार में जुटा था। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 7 सीटों पर भाजपा ने मारी बाजी, 3 पर सपा ने किया कब्जा, बसपा का नहीं खुला खाता। उपचुनाव को लेकर मायावती का बड़ा बयान, बोली भाजपा ने षड्यंत्र कर सपा को कुछ सीटें जिताई, इस षड्यंत्र को करना होगा फिर। मायावती ने ट्वीट कर हरियाणा आम विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर जताई खुशी। उत्तर प्रदेश में एटीएस टीम की बड़ी कार्रवाई, टेरर फंडिंग के लिए बैंक अकाउंट हैक करने वाले नाइजीरियन नागरिक समेत 3 को किया गिरफ्तार। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी, कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के जरिए किया सीधा संवाद, 5 स्थानों पर लगाई गई एलईडी स्क्रीन। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से की अपील, का सरकारी योजनाओं को लेकर आमजन को करे जागरूक। पीएम ने आयुष्मान भारत योजना का किया जिक्र, लोगों से पूछा उन्हें गोल्ड कार्ड मिला या नहीं। झांसी में रेलवे कर्मचारियों ने खोला मोर्चा, ट्रेनों के संचालन की जिम्मेदारी निजी हाथों में सौंपे जाने के खिलाफ जताई आपत्ति। एनसीआरएमयू कार्यालय से लेकर डीआरएम कार्यालय तक रेलकर्मी ने निकाला जुलूस, प्रदर्शन के दौरान हाथों में तख्तियां और बैनर लिए दिखे कर्मचारी। इगलास उपचुनाव में बीजेपी का दबदबा, प्रत्याशी राजकुमार का कहना ये जीत मुद्दों की जीत है और जनता ने मूलभूत समस्याओं को ध्यान में रखकर वोट दिया है। रामपुर में ई रिक्शा और पुलिस की गाड़ी में भिड़ंत, हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ ई रिक्शा चालक, गुस्साई भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर की पत्थरबाजी। लखनऊ में भाजपा प्रत्याशी सुरेश तिवारी की जीत, भाजपा की जीत पर सपा प्रत्याशी ने लगाया आरोप, कहा ईवीएम से हुई है छेड़छाड़। लखनऊ में ऑनलाइन कंपनियों के विरोध में व्यापार मंडल ने किया प्रदर्शन, पैदल यात्रा निकालकर लोगों को किया जागरूक। दारुल सफा से लेकर के हजरतगंज मार्केट तक निकाली गई पदयात्रा, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व। राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल का आरोप, एफडीआई रिटेल को अनुमति मिलने के बाद अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने आधे से ज्यादा बाजार पर किया कब्जा। लखनऊ पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, महिला की हत्या के आरोप में पति और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर भेजा जेल। पुलिस की जानकारी के मुताबिक फेसबुक के जरिए एक अपराधी ने महिला से की थी दोस्ती। बाराबंकी में प्रसिद्ध देवा शरीफ 10 दिवसीय मेले का आतिशबाजी के साथ हुआ समापन, हिंदू मुस्लिम के भाईचारे की मिसाल पेश। औरैया में रामलीला कार्यक्रम में हुई अश्लीलता, कार्यक्रम में स्टेज पर बालाओं ने जमकर किया अश्लील डांस, डांस देखने के लिए बेकाबू हुई जनता, पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज कर हालात पर पाया काबू। चंदौली के कुचमन रेलवे स्टेशन के पास चला बड़ा हादसा, दिल्ली हावड़ा रूट पर टूटी पटरी, दुर्घटनाग्रस्त होने से बची श्रमजीवी एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत, सीएम योगी करेंगे योजना का विधिवत शुभारंभ। योजना के लिए तैयार पोर्टल को भी करेंगे लॉन्च, कुछ लाभार्थियों के खाते में ऑनलाइन प्रोत्साहन राशि भी भेजी जाएगी।
उन्नाव में सीएमओ के अधीन ड्रग स्टोर में दवाओं के स्टॉक में हेरफेर की आई शिकायत, सिटी मजिस्ट्रेट ने की जांच। गोरखपुर में भड़काऊ भाषण देने पर गौरक्षा सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अतुल सिंह को 5 साल की सजा।